Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 1st subject English Grammar. Now open your books and come on page number 8. Page number 8 पे आइए हम लोग जो अपने English Grammar के second chapter में पहला page हमने पढ़ लिया था. Now we are going to do our second part, that is B part. Underline the naming words in the following sentence. अभी देखिए क्या बोला जा रहा है. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. सेंटेंस को किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं. अब इसमें से जो है हमें नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना नीचे से. ठीक है, अब नेमिंग वर्ड में हमने पहले भी बताया था कि नेमिंग वर्ड वो होते हैं जिसको हम नाउन भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन द सेंस समझ लीजिए कि हमें नाउन को जो है अंडरलाइन करना है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, पहले इसको देखते हैं हम लोग. अ स्पेशल नेम, अभी देखिए क्या बोल रहा जा रहा है. स्पेशल नेम यानी कोई अगर स्पेशल नेम है, इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस. क्या बोला जा रहा है, समझ लीजिए कोई स्पेशल नाम आ गया है. ठीक है, जिसका जो है पर्सन यानी कोई आदमी हो या लड़की हो या गर्ल हो, ठीक है, या फिर औरत हो, उसका जो है स्पेशल नाम दे दिया है अगर, या कोई जगह हो उस जगह का स्पेशल नाम दे दिया हो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अर्पिता. अभी अर्पिता क्या है, लड़की है एक. अगर देखा जाए तो अगर अर्पिता को हम लोग गर्ल बोल देंगे, जी आई आर एल, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की होती है, तो भी वो नाउन कहलाएगा. मगर उसका अगर नाम दे दिया, खास करके स्पेशल नाम दे दिया अर्पिता, तो समझ लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम आ जाएगा या स्पेशल नाउन समझ लीजिएगा इसको. ठीक है, स्पेशल नाउन या स्पेशल नेमिंग वर्ड. नेक्स्ट देखिए, और जगह का नाम देखिए चेन्नई. अभी अगर समझ लीजिए कोई जगह का नाम दे दिया है, ठीक है, जैसे कि स्कूल हो गया और ये हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, ये सारी जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं. ठीक है, मगर अगर कहीं किसी का नाम दे दिया, जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सारे हमारे नेमिंग वर्ड्स हो गए, स्पेशल नेम वाले. क्या हो गए, हमारे प्लेस जो है ये सारी स्पेशल नेम वाले प्लेस हो गया. ठीक है, देखिए स्पेशल नेम्स बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर्स. क्या बोला जा रहा है, जहाँ भी स्पेशल नेम आ जाएगा, कोई लड़की का हो, आदमी का हो, बॉय का हो, लड़के का हो, ठीक है, या फिर औरत का हो, या कोई शहर का हो, या कोई गांव का हो, या सिटी का हो, या ज़िला का हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का, या फिर स्टेट का हो, या कंट्री का हो, कहीं भी नाम अगर आ गया, जगह का नाम हो गया, या फिर आदमी या औरत का या पर्सन का नाम आ गया, तो वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा उसका पहला लेटर. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखिए पहला ही आ गया मैरी. देखिए मैरी क्या है, हमारा स्पेशल नेम है क्योंकि उसका नाम आ गया है. यहाँ पे मैरी को आप लोग अंडरलाइन करिए ऐसा, मैरी इज़ अ गर्ल, तो मैरी एक लड़की है, तो यहाँ पर गर्ल को भी अंडरलाइन करिए. ये हमारा क्या हो जाएगा, मैरी हमारा स्पेशल नेमिंग वर्ड हो गया, यानी मैरी हमारा स्पेशल नाउन हो गया और गर्ल हमारा नाउन हो गया. स्पेशल नाउन है, ये सिर्फ नाउन है और ये हमारा स्पेशल नाउन है. ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग समझ लीजिए. दूसरा, माई अंकल हैज़ अ डॉटर. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माई अंकल हैज़ अ डॉटर, मतलब होता है इसका अर्थ कि मेरे अंकल को एक लड़की है, यानी मेरे अंकल की जो है एक लड़की है. तो यहाँ पे माई जो अंकल हो गया, अंकल को अंडरलाइन कर दीजिए आप लोग, ये हमारा नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन हो गया. और दूसरा, यहाँ पे डॉटर को भी आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, ये भी हमारा नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन हो गया. ये स्पेशल नाउन नहीं है क्योंकि नाम नहीं दिया गया. ठीक है, जब नाम दिया रहेगा, जैसे रमेश हो गया, रमेश हो गया, रितु हो गया, ठीक है, पप्पू, प्रिंस, जो भी नाम रहेगा, अगर नाम आएगा तभी वो स्पेशल नेम में कहलाएगा, नाम नहीं है तो नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंकल और डॉटर दोनों हमारे क्या है, नेमिंग वर्ड यानी नाउन है. चलिए दूसरा और देख लेते हैं, माई टीचर लव्स मी. मेरे क्या बोले, माई टीचर लव्स मी. तो यहाँ पे जो टीचर है ये भी हमारा नेमिंग वर्ड हो गया, और यहाँ पे जो मी है ये भी हमारा नाउन है. ठीक है, तो यहाँ पे टीचर और मी दोनों नाउन है. टीचर का मतलब होता है अध्यापिका जो पढ़ाती हैं आप लोग को, और जो मी होता है, मी का मतलब होता है मैं. ठीक है, तो दोनों हमारे क्या हैं, नाउन है, मगर स्पेशल नाम एक भी नहीं है क्योंकि स्पेशल टीचर अगर नाम होता तो यहाँ पे टीचर का नाम दिया रहता. ठीक है, तो टीचर का नाम जो है नहीं दिया तो हमारी क्या हो जाएंगी, स्पेशल में नहीं आएंगे. ठीक है, वो हमारे सिर्फ नाउन कहलाएंगी या नेमिंग वर्ड्स, या और ये मी जो है, मी कभी नाम तो दिया नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा. तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, दोनों में नाउन हमारे. नेक्स्ट देखिए, डॉग ईट्स मीट. अब यहाँ पे डॉग जो है, हमने क्या बोला था, डॉग एनिमल भी है. ठीक है, तो एनिमल को हमने क्या बोला था, नाउन में आते हैं ये लोग, तो डॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डॉग का कोई नाम नहीं दिया. जैसे लोग बहुत लोग डॉग का नाम दे देते हैं, टॉमी हो गया, ठीक है, जैसे टॉमी हो गया, टाइगर हो गया, लोग मतलब कुत्ते का भी नाम रखते हैं. तो अगर नाम रहता तो इसको हम लोग स्पेशल नेम में लेते, स्पेशल अपना नाउन में, मगर यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपना डॉग हो जाएगा कॉमन नाउन. इसको आप लोग कॉमन नाउन के सबसे समझ लीजिए समझने के लिए. ठीक है, तो हमारे डॉग क्या है, कॉमन नाउन समझ लीजिए आप लोग. नेक्स्ट रितिका. देखिए अब यहाँ पे जो है रितिका जो है नाम आ गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम.
ठीक है, या स्पेशल नेम हो जाए या स्पेशल नाउन समझ लीजिए। तो रितिका हैज़ अ ब्लू बैग। अब यहाँ पे जो देखिए बैग जो है ना, ब्लू बैग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नाउन है, मगर ये स्पेशल नाउन नहीं है, ठीक, आप लोग कॉमन समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है यहाँ तक जो देखा, मैरी क्या हमारा स्पेशल नाउन है, गर्ल क्या है कॉमन नाउन है, अंकल हमारा क्या है ये भी हमारा कॉमन में आ जाएगा, डॉटर क्या है हमारा ये भी कॉमन में आ जाएगा, ठीक है, टीचर हमारा कॉमन नाउन है, मी कॉमन नाउन है, डॉग क्या है कॉमन नाउन है, ठीक है, और रितिका क्या है ये हमारा स्पेशल नेम है या स्पेशल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ब्लू बैग है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें नाउन की पहचान यानी संज्ञा की जो है पहचान की जाती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप लोग जो है स्टडी करिएगा, दो बार तीन बार चार बार जितनी बार समझ में आए वीडियो देखिएगा और एकदम अच्छी तरह से समझ लेना, बाकी अगला वाला पार्ट जो हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।